हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। आई होप यू डूइंग वेल। इस समय समय हो रहा है शाम का, तो यहाँ चल रही है हम लोगों की समोसा पार्टी और आशी गई हैं खेलने। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ दो दिन का ब्लॉग शेयर करूँगी। इवनिंग से मैंने आज स्टार्ट करा है और मॉर्निंग का रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे दो दिन के लिए जाना है ससुराल, तो इवनिंग से मैंने स्टार्ट करा है। मैंने सोचा सूट कर लूँ और जो भी अगर शेयर कर पाई आपके साथ तो मैं शेयर कर दूँगी, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में मतलब ब्लॉग नहीं शेयर हो पाएगा। एक्चुअली पूजा है वहाँ पे, रुद्राभिषेक है और मम्मी ने मंदिर बनवाया था, तो उसका एक साल हो गया है, तो उसी के उसमें भंडारा वगैरह है, तो इसलिए मुझे जाना है ससुराल। और ये अचानक ही एकदम प्लानिंग बनी, क्योंकि पहले से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी हम लोगों के पास में, और बेबी के टेस्ट हो रहे थे तो पहले हो रहा था कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर उसके स्कूल में जब बात करी तो पता चला छुट्टी मिल जाएगी और हम लोग जल्दी निकल सकते हैं टेस्ट दिलाने के बाद में। तो फिर अचानक प्रोग्राम बन गया, सारा दिन मतलब पैकिंग वगैरह में भी लग गया। आजकल कहीं भी जाओ तो थोड़ा बहुत पैकिंग तो हो ही जाती है, तो दो दिन के लिए ही जा रहे हैं तो पैकिंग में भी थोड़ा टाइम लग गया। और इस समय बना रही हूँ मैं दाल चावल, और दाल मैंने सुबह बनाई थी तो वो रखी है, चावल में बना दूँगी तो डिनर में दाल चावल हो जाएगा। और ये मलाई रखी हुई थी तो इसे भी मैंने सोचा घी निकाल कर रखूँगी, तो क्योंकि फ्रिज में ऐसे बंद करके जाऊँगी, क्योंकि आजकल यहाँ ना लाइट की बड़ी प्रॉब्लम है, तो फ्रिज वगैरह यहाँ से बंद करके मुझे जाना पड़ेगा। अभी समय हो गया था शाम का, तो यहाँ हो रही है दिया बत्ती शाम की। डिनर हो गया था हम लोगों का, तो वैभी ने थोड़ी हेल्प कर दी, गैस वगैरह क्लीन कर दिया, और उसके बाद मैंने बर्तन धुल लिए क्योंकि सारा दिन काफ़ी काम हो गया। जब कहीं जाना होता है तो कुछ अलग ही काम हो जाते हैं, उसी हिसाब से रूटीन हो जाता है और काम भी बढ़ जाता है। मैंने पेड़ पौधों की अच्छे से गुड़ाई कर दी, क्योंकि दो दिन के लिए जाना है और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि मतलब दिन में दो तीन बार तो पानी देना ही पड़ता है, और दो दिन में पेड़ों का क्या हाल होगा पता नहीं। फिर भी मैंने गुड़ाई कर दी है, उनको अच्छे से पानी दे दिया है, इस समय भी दे दिया है और शाम को भी सुबह भी मैं दे दूँगी। और फिलहाल मैं अभी वॉक कर रही हूँ, सारे काम निपट गए हैं और थोड़ा खाने के बाद मैं टहलती हूँ, तो बस वही है इवनिंग की वॉक है मेरी ये। और समय हो गया है इस समय 10:30 का, तो सोने से पहले मेरा थोड़ा बहुत स्किन केयर रहता है, अपनी केयर रहता है, तो जिसमें सबसे पहले मैं बालों को अच्छे से कॉम करती हूँ, क्योंकि आजकल बालों की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई, इतनी गर्मी रहती है किचन में, थोड़ा बहुत रोटी वगैरह सेकने में इतना पसीना पसीना हो जाता है कि सब बाल बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो सुबह उठ के मुझे बाल को धुलना भी है, ऑयल मैं लगा लूँगी, ऑयल लगा के अच्छे से कॉम कर लूँगी थोड़ा सा बस। नाइट क्रीम मैंने ली है, नाइट क्रीम लेके फेस पे मसाज और लिप बाम लगाऊंगी, तो यही छोटे मोटे स्किन केयर मेरा रहता है नाइट का। और जो मैं करना नहीं भूलती हूँ, एक वॉक करना और दूसरा स्किन केयर करना, चाहे कितना भी समय हो जाए। वैसे कोशिश करती हूँ 10:30 बजे तक काम मेरे निपट जाए, तो सुबह आसानी से टाइम पे मैं उठ जाऊँ, क्योंकि अगर इधर लेट हो जाता है तो फिर उधर उठने में बहुत दिक्कत होती है। और आज लाइट की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, इतना लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी, वोल्टेज भी बहुत कम आ रहे थे और सब लोग इसी कमरे में लेटे हुए हैं। अभी सुबह का समय है, 5 बजे मैं उठ गई थी, जैसे डेली मेरा रूटीन रहता है उसी तरीके से। तो सबसे पहले आज रूटीन चेंज ही था, क्योंकि बेबी को स्कूल भेजना है, उसे 10 बजे मुझे वहाँ से पिक करना है, और इसलिए लंच वगैरह कुछ लेके नहीं जाएगी, सुबह बस वही शेक वगैरह बना दूँगी मैं, तो वही ब्रेकफास्ट में लेके जाएगी, तो टिफ़िन का कोई झंझट नहीं था। तो सबसे पहले उठ के मैंने झाड़ू वगैरह ले ली, झाड़ू लगा दूँगी और उसी के बाद अपना मॉपिंग भी कर दूँगी, तो मेरा नीचे का फ्लोर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा सफाई के लिए। फिर ऊपर सब लोग अभी सो रहे हैं, जब उठ जाएंगे तो ऊपर की भी क्लीनिंग हो जाएगी। साफ़ सफाई करके जाओ तो वापस से घर साफ़ सुथरा मिलता है। दो दिन के लिए जाऊंगी तो इतनी गंदा नहीं रहेगा, क्योंकि खिड़की दरवाजे सब बंद करके ही जाऊंगी, और जब ज़्यादा दिन के लिए जाना होता है कहीं तो फिर वापस आके भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। लेकिन कुछ भी है, घर से निकलने से पहले जो आपके रूटीन रहते हैं वो तो आपको करने ही रहते हैं। तो गेट तक मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दी, अभी गाड़ी बाहर निकलेगी तो फिर उसके बाद ही मैं धुलाई करूँगी, और आज धुलाई एक साथ करूँगी। यहाँ फटाफट मैंने मॉपिंग कर दी,
और उसके बाद मैंने अपने पौधों को दिया पानी और रात में भी पानी दे दिया था। पानी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन फिर भी मैंने सोचा दे देती हूँ, क्योंकि अच्छे से पूरा स्प्रे कर दूँगी ऊपर से नीचे तक पानी का, मतलब पूरे पेड़ उनके पत्तियों को अच्छे से नहला दूँगी, वॉश कर दूँगी, थोड़ा फ्रेश बने रहेंगे 2 दिन तक और देखते हैं वापस आके क्या इनका हाल होता है। लेकिन अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि अच्छे से उनको पानी वगैरह डाल दूँ, अच्छे से उन पर स्प्रे कर दूँ और ताकि ये 2 दिन तक अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। नीचे के पौधों को गमलों में अच्छे से मैंने पानी डाल दिया था। अभी ऊपर वाले बालकनी में जो गमले रखे हैं उनको इस तरफ रखे थे रेलिंग के साइड पे, तो मैंने इस तरफ कर दिया क्योंकि इधर इतनी धूप नहीं आएगी और उधर बहुत ज़्यादा धूप आती है, और अच्छे से मैं इनको पानी दे दूँगी। फिर बहुत सारा काम हो जाता है, गमले इधर उधर करे तो बहुत धूल मिट्टी गंदगी निकली, तो सारा बहुत कुछ कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि ये बालकनी में जैसे ही मैं फ़ोन रखती हूँ ना तो गर्मी यहाँ इतनी ज़्यादा है, धूप सीधा पड़ती है तो फ़ोन जो है ना बिल्कुल टेम्परेचर इसका बहुत हाई हो जाता है, फिर बिल्कुल सूट नहीं होता है इसमें, तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी ही क्लिप ली है, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं दिखाया है क्लीनिंग वगैरह का। बस पौधों को अच्छे से मैंने पानी डाल दिया है और इन पौधों के लिए और भी थोड़ा सा व्यवस्था कर दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास ग्रीन नेट नहीं है। फरुखाबाद में मेरे पास काफ़ी सारी ग्रीन नेट रखी हुई है, मुझे मतलब याद आ रहा है कि रखी हुई है, थोड़ी तो रखी हुई है, अब देखते हैं वहाँ से लेके आऊँगी। इसीलिए मैंने सोचा क्यों पैसा फालतू में वेस्ट करना, वहाँ से लेके आऊँगी तभी मैं इन पे ग्रीन नेट लगा दूँगी, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पौधों को मतलब बिल्कुल हार्श सनलाइट बहुत नुकसान कर रही है। ये छोटा सा सेटअप मैंने ऐसे तैयार कर दिया है, बेडशीट ऊपर से बांध के विंडो की ग्रिल में बांध के मैंने डाल दी थी ताकि उनको कम से कम धूप लगे। इधर मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया था, ये पनीर थोड़ा रखा था तो पनीर की भुर्जी और पराठे मैंने सेक लिए थे, ये हम लोगों का नाश्ता हो जाएगा। और नहा धोकर अच्छे से कर ली पूजा और फिर उसके बाद मैं हो गई तैयार, क्योंकि बस निकलने का टाइम हो ही गया था, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हैवी तो आजकल लेयरिंग नहीं करनी रहती है क्योंकि गर्मी है, कितना भी आप गाड़ी में एसी में बैठो और जाते जाते हम लोगों को अच्छी खासी धूप हो ही गई थी तो थोड़ा बहुत पसीना वगैरह तो आ ही जाता है, तो अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है और थोड़ा सा बस सीसी क्रीम लगा के कॉम्पैक्ट लगा के बस इतना सा ही मेरा रहेगा लुक। और आशी आ गई थी, वो भी अपनी ड्रेस दिखा रही थी कैसे क्या पहना है, तो उसको मैं बता रही थी। अभी सभी लोग तैयार हो रहे हैं, हस्बैंड भी तैयार हो गए, बेबी तो सुबह ही स्कूल जा चुकी थी और आशी की छुट्टियां हो गई हैं गर्मियों की तो वो भी तैयार बस हो ही गई है और सारा काम निपट गया था मॉर्निंग का और बस हम लोग निकल दिए हैं स्कूल के लिए। और स्कूल पहुंचने के बाद में थोड़ा वेट करना पड़ा क्योंकि उसका टेस्ट था और उसके बाद यहीं से हम लोग डायरेक्ट निकल जाएंगे फरुखाबाद के लिए। लगभग 2 घंटे लगते हैं, जब से ये हाईवे बन गया है तब से बहुत आसान हो गया है, मतलब इतना सफ़र में टाइम नहीं लगता है, आराम से हम लोग 12:15-12:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो ये मेरी जर्नी रही और कंटिन्यू ब्लॉग मैं आपको वहाँ से वापस होने आने के बाद में ही दे पाऊँगी, क्योंकि बाहर कहीं भी जाओ ना पॉसिबल नहीं होता है और फिर इतनी रिलेटिव्स वगैरह रहेंगे तो वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। तो बेबी को ले लिया था और हम लोग निकल गए और इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।